आज हिरणा कश्यप वैद्य जी के पास में आया और कहने लगा, ऐ मूर्ख वैद्य, मैंने तुझे से जहर मांगा और तूने मुझे जहर नहीं दिया, उस पुड़िया में क्या था बोल। वैद्य जी ने कहा, महाराज जहर और इतना जहरीला कि चुकटी में लेकर जिहुआ सी लगा लिया जाए तो पता न चले कि प्राण कब निकल गया। हिरणा कश्यपु कहने लगा, अच्छा जब वो जहर इतना जहरीला तो फिर मेरा बालक क्यों नहीं मरा बोल। अब वही जहर तू मेरे सामने खाएगा और नहीं खाएगा तो मैं अपनी तलवार से तेरा सर काट डालूंगा। वैद्य जी समझ गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, जहर खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा और जहर नहीं खाऊंगा तो मैं राजा की तलवार से मारा जाऊंगा। अब मुझे मरना ही है तो क्यों ना मैं जहर खा करके ही मर जाऊं जो राजा का भी प्रैक्टिकल हो जाए। तो आजो वैद्य ने अपनी चुकटी में जहर लिया और जिहुआ सी लगाया तो भक्त वैद्य जी का प्राण निकल गया और हिरणा कश्यप की आंखें फटी की फटी रह गईं। तब तो हमारी बालक ने बहुत सारा जहर पी लिया फिर भी नहीं मरा। इसका मतलब अब हम इसे मारो तो प्रहलाद जी के लिए उसने गरम तेल करवाया और उसी गरम तेल में प्रहलाद जी को डाला। प्रहलाद जी ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो आज भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि प्रहलाद जी के लिए वो गरम तेल तेल नहीं रहा, उनको तो लग रहा है कि मैं फूलों के बीच में बैठा हूं। अब धीरे धीरे हिरणा कश्यपु ने देखा कि मेरा बालक तो फिर भी नहीं मरा। प्यारे भक्तों, उसी समय और पीयूष बेटा के सुपुत्र हैं लव और माला डाल करके स्वागत कर रहे हैं। छोटी सी लल्ला है, लिख पढ़ करके बेटा विद्वान बने, माता पिता का नाम रोशन करें। लव बेटा पर मेरे ठाकुर का आशीर्वाद बना रहे, बाकी बिहारी जी करते रहे कृपा। तो प्यारी भक्तों मां तारवेनो, आज धीरे धीरे इधर हिरणा कश्यपु ने मस्त मतवाले हाथियों से कुचलवाया, प्रहलाद जी ने भगवान का ध्यान किया तो